वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा को सोल्व करेंगे। अभी इस टाइप से न्यूमेरिकल हो सकता है कि फंक्शन ये हो और यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है ना। इस तरीके से मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सिर्फ ये वर्ड लिखा हो कि मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू, तो उसका मतलब हो जाएगा कि मिनिमा, और सिंपल मिनिमा का मतलब था लोकल से, ये बात काम की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वर्ड जरूर लिखा होना चाहिए एब्सोल्यूट, ठीक है ना। इस तरीके से बस फंक्शन दिया है एफ डैश एक्स सोल्यूशन, ठीक है ना। एफ डैश एक्स निकालो सबसे पहला तो, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एज इट इज। कोस एक्स का सबसे पहले कोस का, कोस का क्या होता है माइनस का साइन और साइन एक्स। एंगल एज इट इज कुछ भी लिखाओ, इन टू में एक्स का एंगल का, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे वन, प्लस का साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। इस तरीके से कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर वन माइनस टू साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, सही बात है। इससे अगला काम पुट कर दो किसको, एफ डैश एक्स को, ठीक है ना। जीरो, कुछ भी रिजल्ट आए, कुछ भी रिजल्ट आए जीरो पुट करो, सीधी सी बात तो ये है। इस तरीके से इससे अगला काम, एक्स वाली टर्म एक तरफ, दूसरी टर्म एक तरफ, जैसे इस तरीके से वन इज इक्वल टू टू साइन एक्स, इतना सोचना हमें तो, ठीक है। और यहाँ से वन बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये इंटरवल है किसका, बात ये काम की है, इंटरवल जरूर है लेकिन ये एक्स का है, ठीक है ना, ये काम की बात। अगर यहाँ पर एंगल कभी टू एक्स थ्री एक्स हो जाए फिर वो मत कह देना कि इंटरवल तो यही है, ये सिर्फ एक्स का है, काम की बात है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन है, जीरो पुट किया इस तरीके से, एक्स वाली टर्म एक तरफ दूसरी एक टर्म, ठीक है ना, जीरो से पाई। अब इसको ग्राफ से समझ सकते हो, साइन थीटा ग्राफ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर जीरो, 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है ना। इस तरीके से और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम बात चलता रहेगा, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, इस तरीके 90 डिग्री का डिफरेंस, या फिर कहो माइनस पाई बाई टू का डिफरेंस। राइट हैंड साइड में प्लस पाई बाई टू करते रहो, लेफ्ट हैंड साइड में पाई बाई टू माइनस करते रहो, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल और सिर्फ एक्स, काम की बात ही है, ठीक है ना। इस तरीके वाई पर प्लस वन जीरो और नीचे माइनस वन, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जीरो से पाई की बात करनी है और क्लोज इंटरवल, तो जीरो से पाई कहाँ से हुआ, जीरो ये रहा, पाई ये रहा, इस तरीके से, ठीक है ना। और रिजल्ट कितना आ रहा है, प्लस का वन बाई टू, ठीक है, प्लस का वन बाई टू, ठीक है। अब जीरो से वन के बीच में होगा प्लस का वन बाई टू, तो इतना सोचना हमें तो, ठीक है ना, प्लस वन बाई टू इतना होगा, ठीक है। और मतलब एक वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ पर और एक ये हो जाएगी, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दो वैल्यू होंगी, सही बात है ना, बस इतना सोचना है, ठीक है। एक वैल्यू तो यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब जैसे टेबल वैल्यू याद होती है साइन थीटा की, किस तरीके से, इस तरीके से, मतलब जीरो वन बाई टू, वन बाई टू से ही मतलब है, तो मतलब 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री को रेडियन की टर्म में लिखोगे तो पाई बाई सिक्स, पाई होता 180 डिग्री, इस वजह से। तो एक्स आया, वो कौन सा एंगल, इस तरीके से पढ़ो, वो कौन सा एंगल है जिस पर रिजल्ट आए 1/2, ठीक है ना, वो एक तो है पाई बाई सिक्स, इस तरीके से। और एक और है यहाँ पर, ग्राफ से देख के समझ सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है 5π/6, ठीक है ना, मतलब 5 × π/6 का मतलब 30 डिग्री, मतलब एक्स है 150 डिग्री, ठीक है ना। ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अब ये तो हमें मतलब एक्स निकालना है, अब ये निकालना भी तो आना चाहिए, काम की तो ये भी बात है ना। अब सीधी सी बात, अब न्यूमेरिकल चलो यहाँ तक सोल्व कर लिया कि वो कौन सा रिजल्ट है। अब मान लो कि टेबल वैल्यू, चलो ये तो याद है, जीरो से 90 डिग्री की बात है, सही बात है ना, टेबल वैल्यू तो जीरो से 90 डिग्री की तो है, सही बात है ना। लेकिन उससे ज़्यादा सबसे पहले तो इस तरीके से सोचना है ग्राफ के लिए, ठीक है ना। अगर सिर्फ एक्स लिखा हो तो, काम की बात है ये, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, इस तरीके से याद रख लेना हमेशा, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, टेबल वैल्यू तो इस तरीके से होगी, एंगल कुछ भी हो, मतलब एंगल चेंज होंगे, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। कभी 2x हो तो एंगलों का नाम बदल जाएगा, वैल्यू तो यही रहेंगे, सीधी सी बात तो ये है, काम की बात है ये, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 150 डिग्री क्यों, मतलब साइन x की जगह 150, साइन 150 की वैल्यू किस तरीके से सोल्व करते हैं साइन 150 को, दो तरीके हैं। पहला तरीका साइन 90 + 60 लिख लो, ठीक है ना, या फिर दूसरा तरीका है साइन 180 - सीधी सी बात है 30, दोनों तरीके सही हैं, दोनों से बराबर आंसर आएगा, सही बात है ना। इस तरीके से हमें तो टेबल वैल्यू, मतलब जब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल आ जाए, या तो 90 के हेल्प से लिखो या फिर 180 के हेल्प से, इसी तरीके से या फिर 270 के हेल्प से, 360 के हेल्प से,
इस मतलब 90 करते रहना इस तरीके से, ठीक है। अपन साइन 90, और इसके लिए कहा था जब ओड वैल्यू ओड मल्टीपल की बात आ जाए, सही बात है ना, ओड मल्टीपल मतलब जो 90 के मल्टीपल हो, 90 का मल्टीपल 180 भी है, ठीक है, लेकिन ओड की बात करें, 90 के बाद 270 इस तरीके से, ठीक है। तो साइन बदलता है कोस में, इतना सोचना है, साइन बदलेगा कोस में ओड मल्टीपल में, जैसे इस तरीके से साइन बदलेगा कोस में और कोस बदलेगा वापिस साइन में इस तरीके से, ठीक है ना। और इसके बाद टेंजेंट बदलेगा कोट में इस तरीके, सीकेंट बदलेगा कोसिकेंट में, और एक दूसरे का रेसिप्रोकल, सही बात है। अब यहाँ पर 90 की वजह से बदला कोस, 60 एज इट इज लिख दिया, लेकिन अब पढ़ना प्लस को, और इस प्लस को पढ़ेंगे इस टेबल से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सही बात है। 90 प्लस 90, यहाँ ये 0 डिग्री, ये रहा 90, या फिर पाई बाई 2 लिखो, सही बात है ना, पाई बाई 2। 90 प्लस लिखा है यहाँ पर, प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच चुके, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, नीचे थर्ड और लास्ट वाला फोर्थ, इस तरीके से सोचना है। सेकंड क्वाड्रेंट, एस का मतलब क्या है, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, वो दोनों पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी 4 नेगेटिव, और जिसको रिजोल्व कर ले कर रहे हो उससे मतलब है, रिजोल्व किए कर रहे हैं हम इसको, सही बात है ना, इसको रिजोल्व कर रहे हैं साइन को, तो साइन से मतलब है, ना कि इस कोस से, काम की बात है ये, ठीक है ना, जिसको चेंज कर रहे हो उससे मतलब है, तो साइन है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, इतना सोचना है। और कोस 60, अब टेबल वैल्यू याद है, सही बात है ना, साइन थीटा की जैसे टेबल वैल्यू याद होती है, कोस 60, कोस 60 कितना हो जाएगा, जैसे 60 डिग्री पर साइन थीटा की टेबल वैल्यू 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, सही बात है, और ये 1/2 कोस थीटा में 60 डिग्री पर चलाया जाएगा जब रिवर्स करोगे, तो मतलब कोस 60 कितना हुआ, 1/2, और इसीलिए यहाँ पर ये बात लिख दी कि 150, इसलिए तो आया ना 5π/6 है, कितना 150 डिग्री, इतना सोचना है, सही बात है। इस तरीके से भी बात कह सकते हो कि हो सकता है कि इस तरीके से चेंज करना आता हूँ मैं, ठीक है ना, टेबल वैल्यू के लिए, तो साइन है सबसे पहले, इसको सबसे पहले तो पढ़ोगे 180 को, 180 की वजह से अब होगा इवन, और इवन में साइन साइन रहेगा, सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो उसी में रहेंगे जब इवन मल्टीपल की बात करोगे, 180 180 के बाद 360 इस तरीके से, ठीक है ना, तो यहाँ पर साइन रहेगा साइन में, ठीक है। फिर 30 डिग्री एज इट इज लिखा, सही बात है। अब पढ़ेंगे माइनस को, ठीक है ना, माइनस को, तो साइन 180, 180 कहाँ पर, ये रहा 180, पाई जैसे पाई होता है 180 डिग्री, और माइनस लिखा, तो माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब जिसको यहाँ पर रिजोल्व कर रहे हो, साइन को कर रहे हैं, इससे मतलब है यहाँ पर कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है ना, ये बात काम की है, ठीक है ना, यहाँ पर ये मत कह देना कि कोस से मतलब है इस वजह से, ठीक है, जिसको चेंज कर रहे हो उससे मतलब है, यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर साइन हमें तो इससे मतलब, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव का रिजल्ट आ जाएगा, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, और इसीलिए प्लस का 1/2, इस वजह से यहाँ से प्लस का 1/2 आए, यहाँ से भी प्लस का 1/2 आए, बस इतना सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, एक्स इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और काम की बात है, जो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा है, जो ये इंटरवल दिया, साथ के साथ इनके लिए भी चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है इन्हीं पर मैक्सिमा और मिनिमा मिले, काम की तो ये भी बात है ना। लोकल के केस में तो सीधी सी बात है, इनके बीच की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कहीं पर भी हमें लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा मिल सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो सकता है इस जीरो पर ही हो, इस पाई पर भी हो, सही बात है ना। तो सीधी सी बात है, 2 वैल्यू तो जो ये आई, और 2 वैल्यू हो जाएंगी जो ये इंटरवल दिया है इस तरीके से, और इसके बाद बस इतना सोचना है, जो ये वैल्यू आई इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, जो ये 2 वैल्यू आई हैं इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 150 डिग्री 0 से 180 डिग्री दोनों बीच के, इसलिए दोनों केस सही हैं। मान लो कभी होता कि 180 से ज़्यादा होता, 180 से ज़्यादा मान लो कि 210 आया इस तरीके, मतलब इसका हो सकता कोई सोल्यूशन है इस तरीके से, आगे ग्राफ में 210 आया हो, तो उस केस को रिजेक्ट करेंगे, सही बात है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, इस इंटरवल के बीच में या फिर इनके कॉर्नर पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा मिलेगा। और इसके बाद अगला काम, फंक्शन में ये चारों वैल्यू पुट करो,
इस फंक्शन में, जहां पर मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, मिनिमम मिलेगा एब्सोल्यूट मिनिमा, इतना सोचना है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।